नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना मेट्रो के बारे में। केंद्रीय आम बजट पारित कर दिया गया है। इस बजट में पिछले साल की बजट से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। बता दें कि इस साल के बजट में साल 2022-23 में देश के सभी मेट्रो परियोजनाओं के लिए 19,130 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले वित्तीय साल में 18,978 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। बता दें कि इन्हीं राशि में पटना मेट्रो की परियोजना भी शामिल है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि पटना में बन रहे मेट्रो में तेजी आएगी और योजना में पर्याप्त राशि भी मिलेगी। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके लिए भूमि मालिकों को नोटिस भी भेजा जा रहा है। बता दें कि पटना मेट्रो को डिपो के लिए 76 एकड़ जमीन मिलनी है। बता दें कि पटना मेट्रो की कुल लागत 13,365 करोड़ रुपये है। बता दें कि पटना में बन रहे मेट्रो परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 20-20 की है, यानी कि 20-20% की हिस्सेदारी जो है दोनों की केंद्र और राज्य सरकार की है, जबकि 60% की राशि वित्तीय संस्थाओं से कर्ज के तौर पर लेना है। साथ ही साथ जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि पटना में मेट्रो डिपो बनाने के लिए 76 एकड़ जमीन मिलनी है। जमीन अधिग्रहण को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अंतिम दौर में चल रहा है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जमीन के लिए दावा और आपत्ति का कार्य किया जा रहा है। इस इलाके में जमीन मालिकों को नोटिस भी दिया जा रहा है। ऐसे में यह भी कहा गया है कि अगले सप्ताह से जमीन का मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद से मेट्रो को जमीन हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जिसके बाद से यह कहा जा रहा है कि मेट्रो को पैसे आसानी से मिल सकेंगे। ये जो बात पैसे आसानी से मिल सकेंगे जो बात कही जा रही है, उसमें जो है पहले मेट्रो को दिखाना होगा, यानी कि बिहार सरकार को ये बात बतानी होगी कि मेट्रो के लिए हमारे पास इतनी ज़मीनें, यानी कि जो ज़मीन पर्याप्त ज़मीन होनी चाहिए। जैसे कि डिपो के लिए जो बात कही जा रही है, मेट्रो डिपो के लिए उसमें कहा जा रहा है कि 76 एकड़ की जो ज़मीन चाहिए उसके लिए बिहार सरकार को ये पहले बताना होगा कि हमारे पास इतनी पर्याप्त ज़मीन है। उसके बाद से जो कर्ज के रूप में जो पैसे लिए जाने हैं, जिसमें कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के यहाँ से जो कर्ज के रूप में जो पैसे आने हैं वो, तब उसके बाद से जो है ये राशि जो है पटना मेट्रो के लिए जो है निर्गत कर दी जाएगी। ऐसे में अब देखना है कि पटना मेट्रो को लेकर कितनी दिलचस्पी केंद्र सरकार अपनी जो जिस तरह की योजनाएं, जिस तरह के बजट में जो राशि मुहैया कराई गई है, ऐसे में पटना मेट्रो पर इसका कितना खर्च हो पाता है और आने वाले वित्तीय साल में भी यह साफ हो जाएगा कि यह जो है इस मेट्रो में जो है कितनी गति मिल पाएगी इस राशि से। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।